बस का कंडीशन दिखाता हूँ, किस स्टैंडर्ड की बसेज है अपने यहाँ। जैसे एयरपोर्ट पे बसेज चलती हैं वैसे बसेज हैं, ये देखिए। कार्ड स्वैप करना है और ये भाई जैसे चढ़ रहा है, और अगर किसी के पास कार्ड नहीं है तो वो अपने पैसे उसमें नीचे डाल सकता है, और जस्ट बटन दबाओ रुक जाएगी, कोई कंडक्टर की जरूरत नहीं है। अब हमें जाना है, जो सामने है नांग गैंग एग्जीबिशन सेंटर, नाम भी बोलना नहीं आता यार, नांग गैंग एग्जीबिशन सेंटर। इस सेंटर से मेट्रो पकड़ेंगे हम और एक बार हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से बड़ी परेशानी चल रही थी भाई, एक तो वो ड्रोन कैमरा जो मलेशिया में एक्सीडेंट में ख़राब हुआ था उसका, उसकी बड़ी समस्या थी। वो यहाँ पे ताइपे में कस्टम वालों ने रोक लिया था, तो कस्टम से कैसे डील किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये एक बार और फ्लाइट होती है वो क्रॉस करने पर रोक के बताऊँ। कभी भी आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई कस्टम कोरियर भेजना हो या शिपमेंट करनी हो, नई चीज़ हो या पुरानी चीज़ हो, आपको कस्टम क्लियर करना पड़ता है। और कस्टम कैसे क्लियर करते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप अपना बिल ज़रूर लेके जाइए, और कोशिश करिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ आप कोरियर से ना भेजें। कपड़े वपड़े और वो चीज़ें आ जाती हैं, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत ड्यूटी देनी पड़ सकती है। अब मेरा क्या हुआ, मेरे केस में क्या हुआ मैं बता दूँ आपको। मैंने एक ड्रोन कैमरा जो अपना मलेशिया में टूट गया था वो मंगवाया यहाँ पे, तो कस्टम वालों ने रोक लिया। फेडएक्स से मंगवाया था, फेडएक्स कोरियर से शिपमेंट से, तो कस्टम वालों ने रोक लिया। उन्होंने क्या कहा कि आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, उसका रेट था 5,000 रिंगिट, तो उन्होंने 10,000 यहाँ के डॉलर में उससे ड्यूटी के लिए वो करा। तो फिर मैंने यहाँ लोकल एक दो से बात करी, तो उन्होंने भी मुझे यही एडवाइज़ किया कि आपको ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि ये पुराना है, बोले पुराना हो चाहे नया हो यहाँ पे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो मैंने फेडएक्स को पावर ऑफ अटॉर्नी दी, उन्होंने मेरे लिए वो कस्टम छुटवाने के लिए, फिर उन्होंने कहा कि भाई आपको 9,500 रुपये कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी इसके लिए सारी। तो मेरी समस्या होगी, मैं 9,000 का मतलब है कि लगभग 22,000 रुपये इंडियन रुपीज़, तो इतने पैसे मैं कैसे कस्टम में को दे सकता हूँ। 70-80 हज़ार का वो था, तो मैंने अपना पूरा पत्ते दिमाग लगाया, भाई इंडियन है जुगाड़ करते। मेरे पास एक बिल पड़ा था जो मैंने उसको ठीक करवाने के लिए दिया था, $150 का, $150 का। तो मैंने वो उसको भेजा कि मेरा इसका ओरिजिनल बिल ये है, वहाँ गलती से लिखा गया। तो उसने मेरी इस बात को मान लिया और उसने $150 की वो जो होती है ड्यूटी है वो कैलकुलेट करके ना और दे दी। तो $150 में मुझे अब $1,100 देने पड़े हैं $150 के लिए, USD के लिए। तो $1,100 से मेरा पीछा छूट गया, मतलब 2,500 रुपए से नहीं, मुझे 22,000-25,000 रुपए देने थे। तो आपसे भी कहता हूँ कि कभी आप बाहर जा रहे हो और आपको कोई इमरजेंसी हो जाए, कोरियर मंगाना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मंगानी हो, तो कभी भी कस्टम ड्यूटी से बच के और ध्यान रख के मंगाना। ये तो होगी थी बात कोरियर की, सेगमेंट की। अब हम चलते हैं दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्टोर है जहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है, उसके बाद में मेरी साइकिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1200 किलोमीटर तक जाना, तो कुछ भी सामान नहीं रहा। चाय पत्ती ख़त्म हो रही है यार, वो लेंगे रास्ते में, कहीं चाय बनानी पड़ेगी। तो अब हमें जाना है यहाँ से जहाँ पे हैं हम, यहाँ से लेके, और ये कौन सा है, टाइपे सिटी हॉल। तो सिटी हॉल के लिए मुझे $25 यहाँ पे करने पड़ेंगे, तो मैं $25 निकालता हूँ। एक मिनट रुको भाई, कैसे टिकट लेनी है वो मैं दिखाता हूँ अब आपको। अरे जो प्ले निकला है ना, बड़ी समस्या है यार, ये डाला, ये $50 है यहाँ का, टच स्क्रीन कर दिया। और मैंने देखा कि यहाँ से लेके और एग्जीबिशन सेंटर से तो ताइपे सिटी हॉल तक जाना है, ताइपे सिटी हॉल के लिए मुझे 25 का लेना पड़ेगा। ले भाई चल, मैंने उसमें डाल दिया 25, ठीक है। ये आ रही अपनी टिकट, अभी खुले पैसे भी आएंगे शायद, ये अच्छी चीज़ है, ये आ गए खुले पैसे। तो
अब अपने खुले पैसे डाल ले और अब हम चलते हैं अंदर। कौन सी साइड जाना है? ब्लू लाइन चलते हैं। और मैं आपके यहाँ मेट्रो की वो दिखा रहा हूँ। अब हमें जाना है ताइपे मेन स्टेशन की तरफ, हमें सिटी हॉल रुकना है, तो सिटी हॉल पे देखते हैं कि क्या रहता है। और मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ की मेट्रो का जो चीज़ें हैं, ये दो सीटें हैं, एक ख़ास चीज़ जो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, या इंग्लिश में लिखा हुआ वो दिखा रहा हूँ। प्रायोरिटी ऑफ सीट सिर्फ बूढ़ों के लिए, प्रेगनेंट लेडी के लिए जिसके चोट लग रही है या जिसके साथ बच्चे हैं। हमारे यहाँ तो लिखा होगा महिलाओं के लिए आरक्षित, पर यहाँ महिलाओं के लिए कोई आरक्षित नहीं है और महिलाओं और पुरुषों को बराबर ही माना जाता है। कुछ सीटें हैं, कुछ जगह स्पेस छोड़ा गया है जहाँ पर आप अपनी साइकिल के लिए टिकट लेके ना और आ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन में चार साइकिल अलाउड है, तो चार साइकिल आप एक ट्रेन में जा सकते हो। नेक्स्ट आप 5 मिनट में मेट्रो चलती है तो आप ले सकते हो। और अब हम सिटी हॉल रुकेंगे यहाँ से चल के, और वहाँ पे। और मैं एक चीज़ और जो बताने भूल गया था आपको, ये जो मेट्रो चल रही है ये ज़्यादा नहीं तो 100 फीट नीचे है, मतलब ग्राउंड लेवल से 100 फीट नीचे है। मुझे 4 बार सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ा तब जाके ये मेट्रो आई है। और पूरी मेट्रो जो है वो ऐसे ही पूरे ताइपे में ऐसे ही मेट्रो चल रही है। अभी जो साउंड आ रही है वो सुरंग की आवाज़ आ रही है, जैसे देख रहे हो वो तेज तेज सी आवाज़ आ रही है। ताइपे सिटी मॉल उतरे हैं, यहाँ पे ट्रिनिटी करके कोई ट्रिनिटी इंडियन डिपार्टमेंटल स्टोर है, ट्रिनिटी इंडियन डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे चाय पत्ती लेंगे जब, और फिर कल सुबह से अपनी पैडलिंग शुरू कर देंगे। भाई हुआ क्या कि पिछला 5-6 दिन तक मैं बड़ा परेशान रहा हूँ। परेशानी भी क्या थी कि इस ड्रोन कैमरा के चक्कर में पहले तो इसका वेटिंग में करता रहा, फिर बीच में सैटरडे संडे दो आगे, और एक मंडे की लेबर डे था, इंटरनेशनल लेबर डे, तो उस दिन की भी छुट्टी थी, तो 3-4 छुट्टियाँ होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाए, ट्रैवल भी नहीं कर पाए। और मैं तो आपको पता है आलसी भोगी, साइकिल चलानी है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर मैं हॉस्टल से बाहर ही नहीं निकला और काम करता रहा अपना एडिटिंग यार। और सच्ची बताऊँ दोस्तों, आप लोगों से मिलने का मन होता है इसलिए एडिटिंग कर देता हूँ, नहीं तो मुझे सबसे बोरिंग काम जो है वो एडिटिंग लगता है। वीडियो की एडिटिंग दिमाग ख़राब कर देती है, टाइप लगे रहो, तो समझ भी जाता हूँ कि एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाता मैं, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ अभी भी। और कोशिश रहेगी, सीखते जाएंगे, कुछ ना कुछ नया करते जाएंगे। तो आप लोगों का शुभकामनाएं, और बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट किया भाई मुझे, क्या कहने की ज़रूरत है, आप समझ तो गई, थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगेगा, कुछ लोग और जुड़ जाएंगे तो मन करेगा एडिटिंग करने का। अभी मन नहीं करता यार, 2000 सब्सक्राइबर हुए और मुझे 6 महीने हो गए लगे हुए, तो इतने सब्सक्राइबर में व्यू भी, देखने वाले लोग भी कम है ना, थोड़े से ये बढ़ जाएंगे तो मेरा मन करेगा कि हाँ कर ले, पैसे के लिए नहीं, यूँ ही आप लोगों का प्यार के लिए। निकल गया मैं, क्रॉस कर लिया, अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे किस साइड जाना है यार। गलती कर दी है, गलत स्टेशन पे रुक गए हैं, और यहाँ से 2 किलोमीटर अब हमें वापस जाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर है ट्रिनिटी, गलत स्टेशन पे उतर गए हैं, उन्होंने बताया गलत था एक्चुअली, तो ये पैदल चले यहाँ कैसे करें। मुझे लगता है कि 3 किलोमीटर पैदल चला जा सकता है, घूमते घूमते निकल जाएंगे, क्यों, चलो ठीक है। ये बड़े बड़े मॉल हैं भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये ताइपे है, वो पीछे वाली मेन बिल्डिंग है यहाँ पर, अपना दिन बिल्डिंगों में क्या काम है, हम तो अपने चल रहे हैं मस्ती में, अपने को क्रॉस ही करना, देख देख के क्रॉस कर जाएंगे। गोल्डन प्लेटेड शोरूम बना रखा है, तो भैया ऐसे ही नाम गुच्ची नहीं है उसका, पैसा उन्होंने वो भी लगाते हैं, तभी तो एक चीज़ 10 वाली चीज़ आज आपकी बिकती है भाई। खैर क्या कहूँ, ये ताइपे 101 जो ताइवान की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और एक टाइम में वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही चुकी है,
5101। आप इसको समुंदर से भी देखोगे, देखने में छोटी सी लग रही है, पर जब आप पहाड़ पे जाके देखोगे, मैं दिखाऊंगा शायद कहीं मौका मिला तो वहाँ से भी दिखती है, बादलों से ऊपर दिखती है ये। अब 3 मिनट वेट करना है, यहाँ पे खड़े रहो। ये सिंबल है भाई, ताइपे का सिंबल है, खागड़ यहाँ का नेशनल सिंबल है भाई। तो ये रेलवे म्यूजियम है भाई यहाँ का। रेल नेटवर्क बहुत अच्छा है पूरे ताइवान में, क्योंकि इसका ना एक साइड में कोस्टल एरिया है, मतलब पहाड़ है, दूसरी साइड में प्लेन एरिया है, जिस साइड में चाइना लगता है उस साइड में प्लेन है ये पूरा। तो बड़ा जिस प्लेन एरिया में जो रेलवे है वो फास्ट ट्रेन है, जो अपने यहाँ बुलेट ट्रेन है, तो वो बुलेट ट्रेन यहाँ पे आम चलती हैं। कहीं मौका मिला तो मैं वो बुलेट ट्रेन भी आपको दिखाऊंगा। ये उसके लिए एक म्यूज़ियम बना हुआ है, तो बड़ा फेमस सा म्यूज़ियम है। अंदर जाकर मैप ऑफ नेशनल डॉक्टर संस मेमोरियल हॉल, और ये मेमोरियल हॉल है, यहाँ पे मेमोरियल हॉल, पार्किंग अलॉट, लेक है, बहुत कुछ है यार। हॉल के अंदर जाना चाहिए, भीड़ तो है, टिकट देखनी पड़ेगी कितने की है, ये बड़ी समस्या रहती है। फोटोग्राफी कर लेते हैं पहले, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेशन पे लेके चलेंगे। एक दो फोटो ले लो यार, फोटो भी बड़े दिन हो गए ढंग से फोटो नहीं कर पा रहा था। आज थोड़ा दिमाग सही हुआ है क्योंकि वो ड्रोन कैमरा मिल गया, अदरवाइज तो 10,000 के चक्कर में मेरी तो बाट लगी हुई थी।